और कोई नसीहत मुझे मशहूर कीजिए। लक्ष्मण
कहना सुनना माफ हो। जो शख्स मरते समय किसी किस्म की रंजिश दिल में रखता है वो सरासर अकल का हीना है, और जो मरे हुए के साथ दुश्मनी रखता है वो भी परले सरे का कमीना है। बस अलविदा ऐ रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूँ। बस अलविदा ऐ रघुवर, आप बस ये।
भाई, जिस बात की भय से मैं आपको बार बार मना करता रहा, आखिर में वो ही आगे आई। उन बेमान खुशामदियों की बातों में आकर क्या क्या जिल्लत ना उठाई। खानदान तबाह हुआ और लंका खाक हुई। भविष्य का कहना भी आपको जहर मालूम हुआ। न सिर्फ ये कि मेरा लंका में रहना भी कहर मालूम हुआ। जिस कदर आप दूसरों को नसीहत करते थे, इनमें से एक पर भी गौर फरमाया होता तो क्यों लंका बर्बाद होती, क्यों आप मरते। प्यारे भीषण, तुम्हारा रोना पीटना ये आंसू बहाना है, वो रावण की इज्जत को घटाना है, वो इसके नाम पर थप्पा लगाना है। तुम्हारा भाई बहादुर शत्रुओं के नाम पर मैदाने जंग पर लड़ता हुआ मारा गया, ना के भागता हुआ मरा। ये जैसे आपका भाई था, अब मेरा भी वैसा ही भाई है। मेरी और इनकी दुश्मनी पहले थी, अब ये जैसे आपका भाई वैसे ही मेरा। इस रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, चलो इनका दाह संस्कार करो और ज्यादा देर ना करो।